हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग एजेंसीज़ के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं क्योंकि एक तो वहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है और कई बार ये इंटर्नशिप जो होती हैं वहाँ पे आपको कुछ फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाती है कुछ पेमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है अगर आपका भी ऐसा ही एम है नियर फ्यूचर में आप एक बेहतरीन इंटर्नशिप करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी से तो ये वीडियो आपके लिए है यहाँ पे वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ तक यहाँ पे आपको मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूँ एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जहाँ पे आपको फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड और यह पीरियड छः महीने का होगा तो जी हाँ मैं बात करने वाला हूँ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग के बारे में ये जो काउंसिल है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रन्यरशिप के अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया की मिनिस्ट्री है तो उसके अंदर यहाँ पे ये जो काउंसिल है वो आता है तो अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो ये लिंक दिया हुआ है इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे अगेन मैं बता दूँ कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा इस लिंक पर क्लिक करने के साथ ही आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते ही आपको ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ इंटर्न्स मिल जाएगा और इसकी डेट जो है वो 21 जून 2024 को ये पब्लिश हुआ था लेकिन अगेन ये ओपन एडवर्टाइजमेंट है तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आपके जो फॉर्म्स हैं आप सबमिट करेंगे उसकी स्क्रूटनी वगैरह कंटिन्यूसली होती रहेगी तो आपको अब क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर पी डी एफ है यहाँ पर पी फ़ाइल दी हुई है पी फ़ाइल के ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक पेज को देख पाएंगे यहाँ पे पेज एक ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन एडवर्टाइजमेंट इसकी जो डेट है 21 छः 2024 को डेट इसकी थी मतलब इस दिन ये अनाउंस हुआ है और इसको एक एक करके सारी पॉइंट्स जरा हम लोग देख लेते हैं तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग द नेशनल रेगुलेटर ऑफ़ स्किलिंग इकोसिस्टम तो इसका काम क्या है बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स को चूज़ करना और उनको प्रॉपर स्किल्स प्रोवाइड करना और उनको अलग अलग सेक्टर्स में ताकि वो जा के जॉब कर पाएं तो एन ने कुल मिलाकर के टेन पोजिशन्स और ये टेन पेड पोजिशन हैं याद रखिएगा पंद्रह हज़ार रुपये पर मंथ का आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया जाएगा कौन कौन से एरियाज़ में स्टूडेंट्स को काम करने का मौका मिलेगा तो वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग स्किलिंग रिलेटेड पॉलिसीज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ रिकग्नाइज बॉडीज़ फ्यूचर स्किल्स क्रॉस क्रॉस सेक्टोरल स्किल्स एंड मल्टी स्किलिंग रिफॉर्म्स इन स्किलिंग एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल इंटीग्रेशन एंड इम्बेडिंग वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन जॉब सर्विस जॉब मार्केट्स, ग्लोबल स्किल मार्केट, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इन सब एरियाज़ में आपको यहाँ पे काम करने का एक्सपोजर दिया जाएगा मौका दिया जाएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ इंटर्नस इन एन बी सी ई टी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेटेस्ट प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास यहाँ पे जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट्स विद आउटस्टैंडिंग अकैडमिक बैकग्राउंड एंड परसीविंग देखिये यहाँ परस्यूइंग ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में होने चाहिए कम्प्लीटेड ग्रेजुएशन और कम्प्लीटेड परस्यूंग पोस्ट ग्रेजुएशन और पी इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल साइंस वोकेशनल एजुकेशन स्किलिंग लॉ फ्रॉम टॉप 1000 थाउजेंड रैंक्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एज़ पर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ब्रॉड स्कोप दिया हुआ है टॉप के 1000 हज़ार रैंकड यूनिवर्सिटीज वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परस्यूइंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और कम्प्लीटेड स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल ईयर में यहाँ परस्यूइंग लिखा हुआ है और कम्प्लीटेड भी लिखा हुआ है तो दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट जो है वो थर्टी ईयर्स है यहाँ पर कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ या क्वालिफिकेशन भी दिए हुए हैं आप इसको चाहें तो स्टडी कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर यस yes, Being an open advertisement for this ongoing process, all the applications received will be scrutinized on monthly basis for selection of interns. यानी कि मंथली बेसिस पे इसको सेलेक्ट किया जाएगा तो ये आ, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो ऑफ कोर्स ये आपकी जो एप्लीकेशन है इस महीने स्क्रूटिनाइज कर दी जानी चाहिए तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा रही है और पेड इंटर्नशिप है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म में पे name, ID, number, यहाँ पे नाम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह ई मेल मोबाइल नंबर इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको फ़िल करनी पड़ेगी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें वो आपको देनी पड़ेगी अब थीमेटिक एरियाज़ जो 2023 में जो इनके एरियाज़ थे जहाँ जहाँ पे इन्होंने इंटर्नशिप करवाई थी वो यहाँ पे मैंशनड है आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई किस तरीके से आपको यहाँ पर मतलब क्या फ़ंडिंग है किस तरीके से अप्लाई करना है ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ठीक है थीके? अच्छा एक बात और मुझे बतानी थी यहाँ पे कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं यहाँ पे तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना होगा और इसके अलावा आपको अप्लाई किस तरीके से करना है इंटरेस्टेड यूथ में अप्लाई ऑनलाइन वाया द लिंक मेड अवेलेबल ऑन द एन वी सी ई टी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट एन वी सी ई टी डॉट जी ओ वी डॉट इन अंडर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पेज तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पे एक पेज दिया हुआ है इसके अंडर में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो ये यह, यहाँ पे ये यह लिंक दिया हुआ है इस लिंक के जरिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करते ही आप एक नए पेज के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ पे ये पेज है और इसके ऊपर आपको अपनी सारी डिटेल्स फ़िल करनी होंगी और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे